गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेशन। यार आज के सेशन में ना हम बहुत अमेजिंग सा ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है जेई में, केवीपीवाई में, और वो सारे बच्चे जो प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनके लिए मॉडुलस एक नई चीज है। ठीक है, तो मॉडुलस एक फंक्शन है ना, मॉडुलस मल्टीपल मॉडुलस के बारे में हम आज कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या ट्रिक है ना, कैसे मल्टीपल मॉडुलस के क्वेश्चन को हम बड़े इजीली कर सकते हैं। तो हम आज के लेक्चर में एक जुगाड़ पढ़ेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे फॉर मल्टीपल मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली आते हैं जेई में, केवीपीवाई में, राइट, और आईयूक्यूएम में भी, प्री आरएमओ में भी रहते हैं ये चीजें। तो सबसे पहले ट्रिक पढ़ने से पहले हम हल्का सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों को पता होगा मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक ही बात होती है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये फंक्शन एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं हम, है ना, कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फंक्शन। तो फंक्शन को जनरली इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकल ब्रैकेट से मॉड ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है मॉड ऑफ एक्स, एंड ये हमेशा मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं। तो इफ मॉड ऑफ प्लस 4 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ माइनस 4 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। बहुत सारे बच्चों में एक मिसकंसेप्शन होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक्चुअली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है अंडर रूट ऑफ 16 इज प्लस माइनस 4, दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अंडर रूट ऑफ 16 इज एक्चुअली प्लस 4 ओनली, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बहुत सारे बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर x square equal to 16 है तो इसका मतलब तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होती है, ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, दिस इज करेक्ट, बट अंडर रूट ऑफ 16 इज ऑनली प्लस 4, ठीक, बिकॉज मतलब इफ यू आर एज्यूमिंग x equal to अंडर रूट ऑफ 16, पहली बात तो ये क्लियरली एक लीनियर चीज है तो इसका एक ही रूट होना चाहिए एंड दैट इज कंप्लीटली 4, इट इज नॉट प्लस माइनस 4, ठीक है। तो आज के बाद अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज ओनली प्लस 3, इट इज नॉट प्लस माइनस 3। कमिंग बैक टू मॉडुलस, मॉडुलस क्या है, अगर हम y इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, राइट, इट इज ऑफ वी शेप, है ना, एंड अगर हम इस फंक्शन को रीडिफाइन करने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस एक्स अगर आपका इनपुट, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, माइनस x अगर x आपका लेस देन 0, अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, बट उस पॉजिटिव को बनाने के लिए नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ माइनस 4, अब यहाँ पे हमारा इनपुट माइनस 4 है ना, अब माइनस 4 बट हमें पता आउटपुट तो प्लस 4 होगा, मॉड का काम है नेगेटिव साइन को खत्म करना, ठीक है, तो अब इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हमें आगे एक और माइनस लगाना पड़ेगा, इसीलिए माइनस ऑफ एक्स होता है, बट एक्स अपने आप में यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ठीक। अब देखो एक तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन बड़े इजिली बच्चों से हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को जब मल्टीपल मॉड के क्वेश्चन आते हैं और जिसमें केसेस बनाने पड़ते हैं, है ना, केसेस बनाने में बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और इनफैक्ट वो थोड़ा लंबा भी पड़ जाते हैं। तो उसी केसेस बनाने को हटाने के लिए, उसके लिए अपन एक जुगाड़ पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वो जुगाड़ किस चीज के लिए हेल्पफुल होगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जब मल्टीपल मॉड है, दो या दो से ज्यादा मॉड है, तो कुछ इस टाइप के, जैसे इसमें 3 मॉड है एंड दैट इज इक्वल टू 9, यहाँ पर क्लियरली 3 मॉड है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, 1 करोड़ मॉड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत आसान सा जुगाड़ है, आपको कोई केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, सब में ये जुगाड़ चलेगा, राइट। इनफैक्ट मॉड के अंदर कुछ मल्टीपल भी हो रहे हैं, बाहर भी मल्टीप्लाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके करना क्या है। जैसे लेट्स से हम पहले ये वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ग्राफ से, जिन्होंने वीवी कर पढ़ा है उनके लिए सिमिलर सा अप्रोच उनको लगेगा, बट दिस इज कम्प्लीटली, दिस इज एंटायरली डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन नंबर लाइन बनाते हैं, रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल मॉड के अंदर वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करते हैं और नंबर लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लॉट करते हैं। जैसे x प्लस 3 क्या होगा, ये कब 0 होगा, x इक्वल टू माइनस 3 पर, ठीक है, तो माइनस 3 यहाँ रख दिया, ये कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल टू 4 पे, 4 कहीं होगा यहाँ पे रख दिया, ये वाला ब्रैकेट कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 कहीं होगा यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल वैल्यू, अच्छा इक्वल टू 9 को भूल जाओगे, यहाँ पर क्या पूछा गया वो बाद में देखेंगे, पहले अपन इतने से पार्ट का ग्राफ बनाते हैं, मतलब व्हाट इफ हम एक्चुअली अभी क्या कर रहे हैं, हम y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3
प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं और ग्राफिकली देखेंगे कि वो इक्वल टू 9 कैसे होगा। और ग्राफ ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से तरीके से बनेगा, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है। क्या स्टेप्स मैं बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले वाली, हर इंडिविजुअल मॉड को जीरो के इक्वल रखा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपन ने नंबर लाइन पे प्लॉट कर ली। जैसे यहाँ पे माइनस थ्री आया, वन आया, फोर आया। अब माइनस थ्री पर इसकी वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस थ्री डालेंगे, ये वाली चीज क्लियरली जीरो आ रही है। माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन, उसका मॉड कितना हो गया, उसका मॉड हो गया सेवन, राइट। माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का मॉड फोर, तो ये सेवन माइनस फोर यानी कि थ्री आ रहा है। तो माइनस थ्री पर हमारी वैल्यू आती है थ्री, वाई का वैल्यू यू कैन से है ना, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। वन पे देखते हैं, वन पे ये चीज जीरो, वन माइनस फोर माइनस थ्री, मॉड लगा हुआ है थ्री, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, तो वन पर वैल्यू आती है सेवन, जो कि ऑब्वियसली थ्री से बड़ी होगी, ठीक है। फोर पे कितना वैल्यू आ रहा है, फोर पे दिस इज सेवन है ना, ये वाली चीज सेवन थी, ये वाली चीज ऑब्वियसली जीरो, सेवन प्लस जीरो माइनस, ये कितना आ रहा है, सेवन माइनस वन इज योर फोर है ना, तो माइनस ऑफ फोर, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, ठीक है। सेवन माइनस फोर इज थ्री, तो फोर पर भी वैल्यू क्लियरली थ्री आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल मोड को जीरो डाला था और उन पर वैल्यूज निकाल ली पूरे लेफ्ट हैंड साइड की, क्या बन रही है, तो माइनस थ्री पर थ्री वैल्यू बनी, वन पे सेवन, फोर पे थ्री, जो भी वैल्यूज बन रही है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं फाइनल ग्राफ बताता हूँ कैसे बनेगा, रेड से बना रहा हूं मैं, इनको जस्ट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको देखना है नेट कोफिशिएंट क्या है। नेट कोफिशिएंट का मतलब सारे मोड को हटा दो, सभी मोड्स को रिमूव कर दो, नेट एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं सभी मोड्स को रिमूव कर रहा हूँ, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे एक बार माइनस का साइन लगाओ, माइनस वन, तो वन प्लस वन माइनस वन, तो नेट एक्स का कोफिशिएंट कितना आया, वन। आई होप ये समझ पा रहे हो, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा दिख रहा है अपने को, नेट एक्स का कोफिशिएंट देखना, मोड को हटा दिया, सारे मोड को हटा दिया, तो एक्चुअली देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी सब मोड को हटाने के बाद, एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस वन है ना, एक्स प्लस वन बन जाएगा ये, तो नेट एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, वन। ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आया तो दोनों एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ ले जाओ ग्राफ, दोनों एंड पॉइंट से ऊपर की तरफ ग्राफ ले जाओ, मतलब यहां से भी ऊपर उठा दिया, यहां से भी ऊपर उठा दिया, तो इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा एंड ये एग्जैक्ट ग्राफ बनता है, ठीक है। ये दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दिस थिंग, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस थ्री प्लस मॉड ऑफ x माइनस फोर माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन, ठीक है। ये तो अब ग्राफ बन गया। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा हुआ था कि भैया ये 9 के इक्वल कब है, 9 के इक्वल निकाल देते हैं, y इक्वल टू 9 एक लाइन होगी, ऑब्वियसली 7 से ऊपर होगी, ये वाली वो लाइन है। कितने जगह पर ये इस ग्राफ को कट कर रहा है, क्लियरली दो जगह पर, ठीक है। तो कोई केसेस वेसेस नहीं बनाएंगे, एक जगह दिख रही है मुझे क्लियरली, कहां है, माइनस थ्री से पहले। अब माइनस थ्री से पहले यानी x की वैल्यू माइनस थ्री से भी कम है, तो सारे ही मोड नेगेटिव साइन से हट जाएंगे, सारे मोड नेगेटिव साइन से खुल जाएंगे, मतलब माइनस ऑफ, सारे मोड नेगेटिव साइन से खुले, तो माइनस ऑफ x प्लस थ्री प्लस x माइनस फोर, ठीक है, माइनस साइन मैंने बाहर ही ले लिया है ना, माइनस एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू नाइन। देखो ना ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये माइनस थ्री से लेफ्ट साइड पर है, तो हर मोड यहाँ एक्स की वैल्यू अगर माइनस थ्री से छोटी है तो हर मोड नेगेटिव साइन से खुलेगा, बिकॉज हर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है, तो पूरा ही मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया। अब बस जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, ये कितना बन रहा है, टू एक्स माइनस एक्स दैट इज एक्स, थ्री माइनस फोर माइनस वन प्लस वन, तो ये एक्स बन गया बेसिकली, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस नाइन आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस का साइन यहाँ, तो माइनस नाइन पर एक सॉल्यूशन आया माइनस नाइन, माइनस नाइन पर आप चेक भी कर सकते हो, माइनस नाइन पर ये नाइन के इक्वल बनेगा, एक बार मैं वेरीफाई करा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो लेट मी राइट इट विद येलो, माइनस नाइन डालने पर ये बनता है सिक्स प्लस माइनस नाइन माइनस फोर दैट विल बी थर्टीन, माइनस नाइन माइनस वन दैट इज टेन, तो माइनस टेन, तो थर्टीन प्लस सिक्स नाइनटीन, नाइनटीन माइनस टेन इज नाइन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हो गया माइनस नाइन, और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ पर ब्लू लाइन देखो ना यहाँ पे कट कर रही थी, ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, फोर के बाद। अब अगर एक्स की वैल्यू फोर के बाद है तो सारे मॉड प्लस साइन से खुल जाएंगे, जब प्लस साइन से खुलेंगे तो ये वाला साइन हटा देता हूं मैं, तो एक्चुअली में तब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस नाइन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू नाइन, आप चेक कर सकते हो, नाइन भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो अब देखो कंसेप्ट क्या हुआ, अपन ने ग्राफ बनाया और ये इक्वल टू नाइन कब होता है, दो वैल्यूज के लिए हुआ, एक तो वैल्यू आई एक्स इक्वल टू प्लस नाइन और एक आया माइनस नाइन, ये दो सॉल्यूशन हो गए। एंड इनफेक्ट सिर्फ इसी क्वेश्चन का नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन का हमें और बहुत सारी चीजें पता लग जाती है ग्राफ के थ्रू। जैसे इस पूरी वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इज थ्री, देखो ना यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। मिनिमम वैल्यू कितने पॉइंट्स पे हो रही है, मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट पे हो रही है, माइनस थ्री और फोर पे।
तो ट्रस्ट में मतलब ये वाला जो जुगाड़ है ये जेई में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर है 12th में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर, उसमें तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, सीधा ग्राफ बनाओ, बहुत कुछ चीजें पता लग जाती है। फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन 3 से 7 में इंक्रीजिंग है, सॉरी माइनस 3 से 1 में इंक्रीजिंग है एंड फिर 4 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ठीक है, रेंज क्या है, रेंज मतलब वाई की इस लेफ्ट हैंड साइड की क्या क्या वैल्यूज है, 3 से इन्फिनिटी। फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज क्लियरली मैनी टू वन, जिनको आइडिया है ठीक है कि 1 to 1 क्या होता है, मैनी टू वन। तो इस जुगाड़ से अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अभी आप लोगों के डाउट होंगे कि सर ऊपर ही क्यों लिया, क्या हमेशा ही ऊपर लेना है, व्हाट इफ ये हो, व्हाट इफ वो, तो क्या होगा। एक एक करके मैं सारे एग्जांपल लेता हूँ, कंसिडर करते हैं आराम से। बट एक बार फिर से अपन इस जुगाड़ को एक और क्वेश्चन के थ्रू, इनइक्वालिटी के थ्रू देखते हैं। जैसे इस केस में देखते हैं, यहाँ पे देखो एक्स का कॉन्स्टेंट 2 है, यहाँ पे एक बाहर भी 2 था, यहाँ पे एक बाहर 3 भी है और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब y इक्वल टू इस चीज का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ का क्या तरीका बताया था, नंबर लाइन प्लॉट करो, हर मोड को 0 डालो, यहाँ पर 0 डाल रहे हो कितना आता है 3/2, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे आता है 1, तो 1 सबसे छोटा है, फिर 3/2 है विच इज 1.5, फिर आता है 4। फिर क्या करते हैं अपन, हर वैल्यू पर, हर इंडिविजुअल 1 पर, 3/2 पर और 4 पर पूरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। 1 पे कितनी आ रही है, 2 - 3 का मोड 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स को 1 डाला तो 1 - 4 - 3 का मॉड 3 इंटू 2, ये हो गया 6, 3 × 2 माइनस ये वाली चीज हो गई 0, तो 1 पर वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, 1 पे आ गई 7, यहाँ पे रख देता हूँ। 4 पे देखते हैं, 8 - 3 - 5 प्लस 4 - 4 - 0 4 - 1 - 3 -3 तो बन गया 9, तो 4 पे कितनी आ गई -4 ऑब्वियसली नीचे होगा, नीचे रख दिया। 3/2 पे देखता हूँ, 3/2 पे ये तो 0 बना, ये कितना बना 3/2 - 4 यानी कि -2.5 यानी कि 2.5 into 2 that is 5, 0 plus 5 minus कितना था अपना 3/2 ना, तो ये बन गया half -3/2। ठीक है, मेरे ख्याल में से ये सबको समझ में आ रहा है, तो 5 - 3/2 is nothing but your 7/2, तो 3/2 पर वैल्यू आई 7/2 यानी कि 3.5 कहीं यहाँ पर होगी मान लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या बताया हुआ है, क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ विद रेड कलर, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब क्या हमें हमेशा ऊपर भेजना है, नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, सारे मोड्स को हटा दो और नेट एक्स का कॉन्स्टेंट चेक करो। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कितना बनता है 2x, यहाँ पे भी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स तो प्लस 2x, यहाँ माइनस मोड को हटा रहे, बाहर वाले साइन को नहीं चेंज कर रहे, मोड को हटाए तो -3 times x, ये नेट कॉन्स्टेंट कितना आ रहा है x, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाओ, अगर नेगेटिव है नीचे ले आओ, व्हाट इफ अगर जीरो है, जीरो है तो हॉरिजॉन्टल रखो। अभी हम एक एक करके सारे एग्जांपल लेंगे, ठीक है, आराम से समझो। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर ले गए, तो दिस इज द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अपने से क्या पूछा गया था, अपने से पूछा गया था इक्वल टू 8 कहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 कहाँ है। अब यानी y इक्वल टू 8 एक लाइन बनाओ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से बनाता हूँ, y इक्वल टू 8, ये 7 पॉइंट था, 7 से ऑब्वियसली ऊपर होगी, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 8। अब हमें 8 या 8 से बड़ा चाहिए, तो एक पॉइंट तो ये आया, एक पॉइंट ये आया। ठीक है, ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये क्लियरली 1 से छोटा है, तो सारे मोड माइनस साइन से खोल दो, इक्वल टू 8 देख लो कहाँ पर होता है, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा, इसको मैं x1 मान रहा हूँ। सिमिलरली सारे मोड को पॉजिटिव साइन के साथ खोल दो, इक्वल टू 8 इक्वेट कर दो, आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो, इसको मैं x2 मान रहा हूँ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 क्या आंसर आया, x1 से पहले यानी माइनस इन्फिनिटी से x1, ठीक है, इक्वल टू था तो x1 पे क्लोज, यूनियन x2 के बाद x2 टू इन्फिनिटी, दिस विल बी योर आंसर, सिंपल, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ये x1 x2 मैंने अभी बताया ना कैसे निकालना है आपको, सारे मोड को प्लस साइन से खोल दो, एक x1 के लिए सारे मोड को माइनस साइन से खोल दो, क्योंकि ये 1 से पहले वैल्यू, ये वाली वैल्यू x2 के बाद है। मान लो यही चीज होता ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेट्स से यहां पर होता ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो -4 तो ये पॉइंट है, तो ये ग्राफ तो हमेशा ही -4 या -4 से बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू आ जाता। मान लो होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो 7 लाइन ये बनती, तो एक पॉइंट तो 1 है, दूसरा पॉइंट हमें सॉल्व करना पड़ता, दूसरे पॉइंट के लिए हमें x2 निकालना पड़ता। क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं ये मेरा जो मतलब था कि ऊपर कब लेकर जाना है, नीचे कब लेकर आना है, उससे क्या मतलब है, और दूसरा
एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना अभी। जैसे लेट्स से अब यहाँ पे ना काफी बच्चों का ये आर्ग्यूमेंट होगा कि सर मॉड के अंदर तो मॉड ऑफ एक्स लिखो या मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो तो एक ही बात है। तो जैसे आप अभी आपने, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3-2x प्लस ट्वाइस ऑफ 4-x है ना, माइनस थ्राइस ऑफ लेट से एक्स माइनस वन, ठीक है। आपने बोला था कि सर जब हमें ये चेक करने की ग्राफ को ऊपर लेकर जाना है एंड पॉइंट से या नीचे लेकर आना है तो सारे मोड हटा दो। अब पहली बात तो ये दोनों चीजें एक ही बात है, ऊपर ऊपर वाले की तरह लिखो या नीचे वाले की तरह लिखो एक ही बात है। बट अगर हम सारे मोड हटा रहे हैं तो ये बनता है माइनस टू एक्स ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स है ना। तो अब यहां पर तो एक्स का कोफिशियंट आ गया माइनस सेवन एक्स विच इज नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको नीचे लेकर आना चाहिए था। बट अब ये क्या करें, देखो जब भी हम एक्स का कोफिशियंट चेक कर रहे हैं ना, जब भी मतलब सारे मोड को हटा के एक्स का कोफिशियंट चेक कर रहे हैं तो एंश्योर करना है आपको कि मोड के अंदर वाला एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव हो। तो मतलब अगर कोई टर्म इस तरीके से लिखी हुई है तो उसको आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर आपको मोड हटाना है। ये जो बाहर वाला साइन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, बट मोड के अंदर एक्स का कोफिशियंट आपको पॉजिटिव रखना है। और वो तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर कहीं पर भी मोड ऑफ एक्स माइनस, अगर मान लो कहीं पर मॉड ऑफ ए माइनस एक्स है उसको मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ए तो लिख ही सकता हूँ, उसके बाद आप एक्स का साइन हटाओ, ठीक है। जैसे मैं अभी एक दो एग्जांपल्स और लेता हूँ, जैसे लेट्स से हम कंसीडर करते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस मॉड ऑफ कुछ भी लगा लेते हैं 4-x, ठीक है। ये मान लो ग्रेटर, ये मान लो कुछ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ भी था 5 था, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहली चीज तो ये यहाँ पे 4-x है, पहले तो मैं क्वेश्चन को रीराइट करूंगा, इसको मैं पॉजिटिव करूंगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस थ्राइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर कर दूंगा, 4-x की जगह एक्स माइनस फोर कर दिया, मॉड के अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर जो मैंने पढ़ा है मैं वही करूंगा, भैया नंबर लाइन बनाई, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। 1 पे वैल्यू चेक की, ये बना 0, ये बनता है -3, ये बनता है -3, हाँ। तो 1 पे वैल्यू नेट कितनी आई, -6, तो 1 पे वैल्यू -6 प्लॉट कर दिया यहाँ पे। 2 पे देखा, 2 पे ये वाली चीज बनती है 0, ये बनता है 1, ये बनता है भैया आपका -2, तो 1-2 -1, 2 पे वैल्यू आ गई -1, कहीं यहाँ पर होगी -1। फिर 4 पे चेक किया, ये वाली चीज बनेगी 3 माइनस, ये वाली चीज तो 0 ही है, ये कितना बनेगा 4-2 2 एंड -3 × 2 तो -6, तो दिस इज -3, तो 4 पे वैल्यू आ रहा है -3, कुछ ये बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, जैसा आपको बताया था कि हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आगे हमें ग्राफ को ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर जाना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, दैट एंटायरली डिपेंड नेट एक्स का कोएफिशिएंट क्या आता है। उसके लिए क्या करेंगे, सारे मोड को हटा दो, यहाँ पे एक्स बना, यहाँ पे -3x, यहाँ पे -x, तो कितना नेट कोएफिशिएंट बन रहा है, ये उड़ गया -3x बन रहा है। एक्स का कोएफिशिएंट क्लियरली नेगेटिव है, नेगेटिव होने पर हम दोनों एंड पॉइंट से नीचे लेकर आएंगे, मतलब कुछ ऐसे और यहां से भी कुछ ऐसे, ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। पूछा क्या गया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अरे भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही -1 है, 5 या 5 से बड़ा कब है, ये मान लो y इक्वल टू 5 है, 5 या 5 से बड़ा कब है, कभी भी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, समझ में आई, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब देखो ना, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें पता लग जाती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस चीज की, मैक्सिमम वैल्यू इज -1, ठीक है। रेंज क्या है, -∞ से -1, कहाँ कहाँ पर कहाँ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, वो भी बता सकते हैं। अब रही बात सर हॉरिजॉन्टल वाला क्या फंडा था, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, लेट्स से ये चीज है, एंड लेट्स से कुछ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पूछा गया, लेट्स से दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो करते आए हैं वही करेंगे, लाइन बनाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स इक्वल टू 2 है, एक्स इक्वल टू 3 है, 1 पे वैल्यू कैलकुलेट किया, 0, 1, ये कितना बनता है -4, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 2 है ना, तो 1-4 -3, तो 1 पे नेट वैल्यू आता है -3, 2 पे कैलकुलेट किया, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज -2, तो 2 पे वैल्यू आता है 1-2 विच इज -1, 3 पे कैलकुलेट किया, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0, तो 2+1 3, 3 पे वैल्यू आ गया भैया 3, ठीक है, लेट्स से हियर इट इज 3। फिर कुछ नहीं करना,
हमने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो यहां से ये, यहां से कुछ ये, ठीक है, ये ग्राफ बना। अब इसके बाद क्या करना है, नेट एक्स का कॉन्स्टेंट देखो, सारे मोड्स को हटा दो, तो एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स विच इज जीरो, अभी तो जीरो आ गया, फंस गए हम तो। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जीरो के केस में बताया था हॉरिजॉन्टल बना दो दोनों एंड से, मतलब कि यहां से इधर, यहां से इधर। क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, अरे कहां से ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, मैक्सिमम वैल्यू तो थ्री है, ठीक है, थ्री से बड़ा हो ही नहीं रहे। अगर क्वेश्चन होता, मान लो इसकी जगह क्वेश्चन होता ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, तो आंसर क्या आ जाता, थ्री से बड़ा तो नहीं है, इक्वल टू थ्री आ रहा है कहां पर, तीन से इन्फिनिटी तक, तो आंसर आ जाता क्लोज थ्री से इन्फिनिटी, ठीक है। मान लो अब देखो आईयूपीएम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या मतलब जेई में किस टाइप से बन सकते हैं, इक्वल टू थ्री हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, इंटीग्रल सॉल्यूशन इनफाइनाइट, तीन इक्वल टू थ्री कहां है, इस पूरी लाइन पे थ्री है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा मल्टीपल मोड का। दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, ग्राफ बनाना है, कोई केसेस नहीं बनाने, कोई किसी भी केस की जरूरत नहीं है, एंड ग्राफिकली नॉट ओनली योर क्वेश्चन जो गिवन है मल्टीपल मोड का, उसके अलावा भी बहुत सारे हमें चीजें पता लग जाती हैं, मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू, क्या मिनिमम वैल्यू, कहाँ कहाँ के, मतलब ग्राफ से सब कुछ दिख जाता है ना यार, आपके सामने होती है चीजें, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, है ना। तो भाई आई होप आपको ये सेशन में मजा आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, है ना। अगर आप हमारे आरएमओ बैच का पार्ट बनना चाहते हो, आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने लास्ट ईयर आईयूक्यूएम क्लियर किया किसी भी साल में, आईयूक्यूएम या प्री आरएमओ, या आपने एनटीएससी क्लियर किए हुए, या आपने एनएससीजीएस क्लियर किए हुए, या आपने केवीपीवाई ऐसे क्लियर किए हुए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया ही हुआ है, ठीक है, आप उसको फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा यू कैन मेल मी योर क्रेडेंशियल, माई ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है, आप इस पे मेल करो, हम आपको आपके कंसर्न, आप ऑब्वियसली आपको अपनी सारी डिटेल्स लिखनी होगी, आपका नाम, आपका नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, राइट, एंड जो भी आपकी अचीवमेंट है वो उसका सर्टिफिकेट आप भेजो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आरएमओ वाले बैच में एनरोल किया जाएगा, राइट। चलो भाई, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग से कंसेप्ट के साथ, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।